ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से हुआ दूसरी बार ब्रांच जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन। भागलपुर में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का 15वां डिविजनल और दूसरा ब्रांच जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन सिकंदरपुर के स्थानीय विवाह भवन में संपन्न हुआ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के महासचिव MN प्रसाद उपस्थित थे। साथ ही मौके पर केंद्रीय संयुक्त सचिव CK सरकार, जोनल सचिव AK रावत और SP सिंह भी मौजूद थे। वहीं भागलपुर शाखा के अध्यक्ष GP पाल भी कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं ईस्ट सेंट्रल रेलवे ज्वाइंट सेक्रेटरी AK रावत ने बताया कि हर 2 वर्ष में चालक दल का ऑल इंडिया के तहत सेमिनार का आयोजन किया जाता है। इसी बाबत आज ईस्टर्न रेलवे मालदा डिवीजन का 2 वर्षीय महाअधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी का निर्माण किया गया, साथ ही भागलपुर ब्रांच का भी गठन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले कर्मियों के द्वारा रैली निकाली गई, उसके बाद स्वागत कार्यक्रम और झंडोत्तोलन किया गया। फिर शहीद वेदी पर सबों ने पुष्पांजलि अर्पित की और कई कर्मचारियों ने अपना उद्बोधन भी दिया। उसके बाद चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। ये आज हमारा ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जो है, चालक दल का एक ऑल इंडिया का संगठन है। प्रत्येक डिवीजन में हमारा कमेटी होता है, जोन में डिवीजन में 2 साल पर इसका चुनाव होता है। तो आज ईस्टर्न रेलवे मालदा डिवीजन का 2 वर्षीय महाधिवेशन है। इस अधिवेशन के माध्यम से पुरानी कमेटी भंग होगी और नई डिवीजन टीम का गठन होगा, साथ साथ भागलपुर ब्रांच कमेटी का भी ये गठन होगा। हम पिछले 2 वर्षों के कार्यकलाप की समीक्षा करेंगे, आय व्यय की समीक्षा करेंगे, क्या हमारा समस्या है, क्या वर्तमान स्थिति रेलवे पर चल रही है, इसकी चर्चा करेंगे और कुछ हम अपने मांग से संबंधित प्रस्ताव लेंगे और फिर कमेटी का गठन होगा। यही आज हमारे BGM का ये ईस्टर्न रेलवे के विभिन्न डिवीजन से, आसनसोल से लेकर हावड़ा सियालदा इससे लोग आए हैं, आपके आगरा डिवीजन से, अनारा डिवीजन से आए हैं लोग। इसके अलावा ऑल इंडिया के जो हमारे सेंट्रल लीडर हैं MN प्रसाद जी, वो आए हैं, और जोनल सेक्रेटरी जो ईस्टर्न रेलवे के हैं वो आए हैं, साउथ ईस्टर्न के आए हैं, दूसरे रेलवे से भी हमारे नेता लोग यहाँ आए हैं। मेरा नाम AK रावत, मैं जोनल सेक्रेटरी हूँ, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। SP सिंह केंद्रीय सहायक महासचिव, जनरल सेक्रेटरी साउथ ईस्टर्न रेलवे। अभी आपको जान के आश्चर्य होगी कि रेलवे बोर्ड ने लोको में टॉयलेट, जो कि सबके घर में होता है, मोदी जी बोलते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि लोको में टॉयलेट लगे कि न लगे, यह लोको पायलट से पूछ रहे हैं। क्या यह पूछने का विषय है? आप एक छोटा सा स्कूटी लेते हैं, उसमें टूल्स होता है, और हमारे लोगों में 20 करोड़ का लोगो है, उसमें हम लोगों को अपने टूल्स को ढोना पड़ता है। इस युग में यह आश्चर्य हो रहा है सरकार में। हम इस मीटिंग के माध्यम से ही अनुरोध करेंगे कि अभी जब आप लोको रनिंग में लेडीज को ला रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हमारे बीच महिलाएँ आ रही हैं, हम लोग समस्या से झेल रहे हैं, कम से कम अपने बहन माँ को, बेटी को इस चीज़ से न झेलने दें और इंजन में टॉयलेट लगवावें और इंजन में टूल बॉक्स लगवावें, जो कि रेलवे बोर्ड गलत मानसिकता के माध्यम से सर्वे करा रही है कि टूल्स होना चाहिए कि नहीं, लोगों में आपका टॉयलेट होना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके ऊपर में हम लोग आज यहाँ से एक अपना कमेटी के माध्यम से कंक्लूजन निकालेंगे, अपना रिजोल्यूशन लेंगे। आपका परिचय? हम SP सिंह, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के जनरल सेक्रेटरी। विशेष नहीं बोलना चाहता हूँ, AK रावत बोलने के फोन किया है आपके सामने। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सरकार बनिया जो पूरा काम कर रही है, घुमाव तैयार करके पूरा वेतन नाइटों के अलावा काटने की तैयारी कर रही है। ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर बोला है कि अलाउंस का बजट खत्म हो गया, इसलिए अलाउंस नहीं दी जा सकती है। और ये बहुत तरह के अलाउंस के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। सवाल ये नहीं है वो ओवर टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता तो नहीं है, लेकिन सवाल ये नहीं, हमारे साथ सवाल ये है कि आपको ओवर टाइम करा करके जनता के जान को खतरे में क्यों डालो, क्यों डालोगे? हम ओवर टाइम काम नहीं करना चाहते, हम 8 घंटे में रिलीव करना चाहते हैं।
लेकिन हम आगे भी हड़ताल का डिसीजन लिए थे। उसी समय पुलवामा का एक्सीडेंट हो गया, हम लोगों ने देश सीट में उसको रेफर किया, लेकिन अब लगता है कि रेलवे बोर्ड हमको प्रभोक कर रही है, हमको हड़ताल पर जाना होगा। हो सकता है कि ऑल इंडिया रीजन मेरा भिजवाड़ा में हो रहा है, वहाँ से हम हड़ताल में जाने की सिद्धांत ले लें और मोदी जी ये देख लें पिछला इतिहास हमको, हम पर डंडा चला करके नहीं रोक पाए हैं, हमें रिमूव करके नहीं रोक पाए हैं, हमें सस्पेंड करके नहीं रोक पाए हैं, हमें जितना जलाए हैं मैं उतना ही लाल होकर निकलूँगा। आज जितना हूँ जलाओगे ये मैं मोदी जी को वार्निंग के रूप में दे देना चाहता हूँ। वो अपने को देशभक्त कर रहे हैं, देश को बिक्री कर रहे हैं, हमारे साथ रेलवे को नहीं बिक्री होगी, ये बहुत बार बोल चुके हैं। रेलवे बिक्री हो रही है, ब्लैक मनी लेके आएंगे, ब्लैक मेलर और ब्लैक मनी वाले सब बाहर चले गए, आराम से बैठे हुए हैं। तो हमारे ऊपर बहुत सा शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अब वो बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। देश हित में इवन कोरोना में हमारे 300 आदमी मारे गए, लेकिन हमने गाड़ी नहीं बंद किया, हमने संचालन को रखा, उत्पादन को रखा, ताकि मैं जानता हूँ कि अगर हम गाड़ी बंद कर दें तो देश की राजनीति बंद हो जाएगी, देश की अर्थनीति बंद हो जाएगी, देश की उत्पादन बंद हो जाएगा और इसका प्रभाव विदेश पर भी पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ, मैं आज भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे मांगों को सॉल्व कर दें, रिजॉल्व करें, ताकि हमको उधर नहीं जाना पड़े। लेकिन रेलवे बोर्ड को ऐसा लगता है कि हमको प्रभोक कर रही है, अब ऐसे आदमी को जनरल मैनेजर करके ला रही है। अभी कल का मैसेज है।